नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी आज आपको दिखाने जा रहा हूँ असेंबल और डीअसेंबल। खास करके एक हमारे पास लैपटॉप है जिसका नाम है एचपी पवेलियन G4 का है, जैसा कि आप देख रहे हैं G4 है। और अगर इसका मॉडल नंबर का बात करूँ तो ये G4 का यहाँ पे बात करूँ तो G4 1317 EU इसका मॉडल नंबर है। यदि आप इस लैपटॉप का असेंबल और डीअसेंबल करने में दिक्कत हो रहा है या खोलने में दिक्कत हो रहा है, कीबोर्ड वगैरह खोलने में दिक्कत हो रहा है, तो इसका मैं फुल नॉलेज, फुल जानकारी, कम से कम टूल्स में कैसे इसे ओपन किया जाए, वो सारा का सारा डिटेल से हम जानकारी देंगे। तो बात होता है क्या कि किसी भी लैपटॉप को ओपन करने से पहले यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि सबसे पहले इसके हिंज पर कि इसका हिंज ज़्यादा टाइट तो नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि कीबोर्ड इसका इंटरनल है या अपर से लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक कीबोर्ड जो है कुछ इस तरह के लॉक से फंसे पड़े हुए हैं, यानी इसे पता चलता है कि कीबोर्ड ऊपर से खुलेगा। तीसरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात खोलने से पहले कि यह लैपटॉप ऊपर से खुलेगा या फिर इस साइड नीचे से। तो यहाँ पे जितने भी कीबोर्ड ऊपर से खुलने वाले लैपटॉप होते हैं, मतलब ऊपर से एक कीबोर्ड जितने भी लैपटॉप में खुलेंगे, इस तरह के लैपटॉप में ज़्यादातर में, सभी का तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर में ये ऊपर से ही खुलता है, इसका मदरबोर्ड ऊपर से ही बाहर आएगा। तो बात होता है क्या कि इसे खोला कैसे जाए, इसे डीअसेंबल कैसे किया जाए। तो डीअसेंबल करने से पहले रूल है कि सबसे पहले कीबोर्ड को बाहर, बैटरी बाहर कीजिए। तो बैटरी हम यहाँ पर बाहर कर रहे हैं, लॉक को जैसे ही सरकाएं बैटरी खुद ऊपर आ गया, इसे बाहर कर दिया। दूसरा काम कि यहाँ सामने जितना भी की नज़र आ रहा है, खास करके इस तरह के स्क्रू, वो सारा स्क्रू को ओपन करना है। लेकिन अगर इस मॉडल के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले ये दो को पहले हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो निकालने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर छोटा सा, इसे ए स्क्रू बाहर नहीं आएगा, इसी कैप में फंस के रहेगा। जैसे ही इसे मैं ओपन करना चाहूँ तो ये लॉक है इसके साइड साइड, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स करना है, और फोर्स करके यहाँ पे अगर कहीं फंसता भी है तो डैमेज ना हो, इसके लिए हल्का सा ये बाहर। बाहर आने के बाद हमारा सेकेंड वर्क होगा इसके डीवीडी राइटर को बाहर करना और कीबोर्ड को बाहर करना। तो डीवीडी राइटर जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमेशा आप देखिएगा कि इस तरह से, तो ये हमेशा यहाँ पे एक स्क्रू है, इस स्क्रू के द्वारा इसी के हेल्प से लॉक रहता है। तो हम पहले डीवीडी राइटर को ही बाहर करते हैं। तो डीवीडी राइटर को बाहर करने के लिए यहाँ से स्क्रू को बाहर किए, बाहर करके इसे कुछ नहीं करना है, हल्का सा अपने नेल के हेल्प से या इसके माइनस बिट के हेल्प से, ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, आराम से बाहर कर लेना है। अगेन कीबोर्ड भी निकालना है। तो कीबोर्ड के लिए जब यहाँ पर डीवीडी राइटर के लिए इसका था स्क्रू ड्राइवर, तो कीबोर्ड जो होता है वाईफाई के बगल में होता है, तो वाईफाई कार्ड यहाँ पे इसके बगल में ये जो स्क्रू है एक कीबोर्ड का स्क्रू है। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड को भी निकालते हैं। तो कीबोर्ड को मैं निकालूंगा, तो कीबोर्ड को निकालने के लिए यहाँ केवल एक ही स्क्रू होता है इसमें। तो जब यहाँ से मैंने इसके स्क्रू को बाहर कर दिया, तो इसके बाद अब मैं अगर इसे उठाता हूँ तो इसका हार्ड डिस्क हो सके गिर सकता है, तो हार्ड डिस्क को मेरा काम होगा डिस्कनेक्ट करने का। तो हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट जो किया जाता है, यहाँ पे एक इसका पत्ता लगा हुआ है, एक कनेक्टर है, कनेक्टर को बाहर करता हूँ। एक कनेक्टर हो गया बाहर और ये हार्ड डिस्क हो गई बाहर। यहाँ से मैं इसको तो निकाल चुका हूँ एक कीबोर्ड का,
तो अगला काम मुझे कीबोर्ड को बाहर करना। तो कीबोर्ड को बाहर करने के लिए कोई भी अगर माइनस बिट हुआ पतला तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके लॉक को वन बाय वन ए लॉक ए लॉक ए लॉक ए लॉक को अंदर की ओर पुशअप करके कीबोर्ड को बाहर की ओर खींचना है। ऐसे मैं इसको ड्राइवर से कर रहा हूँ, ये गलत है। आप जब भी कीजिएगा तो ओपनर से कीजिएगा, अगर आप वेल ट्रेंड हैं तो इसको ड्राइवर से कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के साथ, सावधानी बिल्कुल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस लॉक के लिए ए बटन को हल्का सा प्रेस किए और यहाँ लॉक को अंदर ढकेल कर ये बाहर, ये खुद ब खुद ये सब बाहर हो गया। यहाँ पे एक लॉक और इसे कुछ नहीं करना है, सावधानी से, पूरा तेजी से इसे बाहर नहीं करना है, आराम से बाहर इस तरह से। अगर तेजी से उठाइएगा तो अंदर में इस कीबोर्ड का जो पत्ता यहाँ पे लगा हुआ है ये पत्ता टूट सकता है। तो इसके लिए इसको आराम से कुछ इस तरह से यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है लॉक को धीरे से ऐसे पुशअप, जैसे ही इसे मैं उठ कर दिया तो करने के बाद कीबोर्ड का पत्ता बाहर, ये हमारे पास कीबोर्ड भी बाहर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा इसके डस्ट को मैं हटा लूं क्योंकि काम करने में दिक्कत करेगा। आप लोग भी जब काम कीजिएगा तो इस तरह का ब्रश बिल्कुल रखिए। अगला काम, यहाँ पे जितने भी स्क्रू नजर आएंगे वो सारा स्क्रू को, खास करके इस तरह के मॉडल में जो भी होंगे तो उसमें ऊपर से कादर स्क्रू शायद नजर आ जाए। तो पहला काम स्क्रू को हटाना, खैर यहाँ पे तो स्क्रू नजर नहीं आ रहा। दूसरा काम कि यहाँ पे जितने भी टाइप के कनेक्टर होंगे, ये सब कनेक्टर और इसमें जो केबल पत्ते लगे हैं सारे को डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे पहला किया टच पैड के लिए ये दोनों, दूसरा किया यहाँ पे। अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो यहाँ पर किसी तरह का कोई कनेक्टर कोई लॉक नहीं है, सबको हल्का हल्का बाहर की डिस्टर्ब कोई ना करे बोर्ड को बाहर निकालने के दौरान। अगला काम, इसके सारे स्क्रू को मैंने बताया कि बाहर करना है, तो बाहर करना है सारा स्क्रू को। तो मैं सबसे पहले पहला स्क्रू, शायद ये कहीं रिपेयर होकर भी आया है इसलिए कुछ कुछ स्क्रू कम है इसमें, कोई बात नहीं, जितनी स्क्रू हैं सारे को तो बाहर निकालना बनता है। इसे वन बाय वन सारे स्क्रू को तो इस तरह से सारे स्क्रू को मैंने कर लिया बाहर। बाहर करने के बाद ये आप रैम को पहले भी निकाल सकते हैं या बाद में, रैम को बाहर मैं निकाल लिया। यहाँ पर एक रैम और भी लगा हुआ है, इस रैम में भी ये जो दो लॉक है, एक लॉक को हल्का सा इधर और एक लॉक को हल्का सा इधर, इजी वे बाहर। अगर इसमें कितने जीबी का है तो ये भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2 GB और DDR3 रैम है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी कुछ उसी तरह का है, 2 GB और ये भी DDR3 है, तभी एक ही साथ लगा हुआ था। इसमें भी PC3 वगैरह या DDR3 वगैरह लिखा हुआ होगा, ध्यान से देखने को मिलेगा। तो जब सारा स्क्रू बाहर हो गया तो फिर से मैं अगेन इसे ओपन किया, और ओपन करने के बाद अगला हमारा काम होगा कि इसके जो ये पॉइंट है इस पर हल्का सा ओपनर के हेल्प से जहाँ जहाँ लॉक टाइप का होगा उसे लास्ट तक वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो इधर से ओपन हो चुका है, इधर से बचा हुआ है।
इधर से ओपन हो चुका ये भी थोड़ा सा इस पॉइंट पे, और ये हमारे पास बाहर होके रेडी है। लेकिन इसको भी बाहर करने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसमें पावर का स्विच है, तो पावर स्विच को मैं यहाँ से रिमूव किया और ये बाहर गया। इसे इस पर्दे को या इस जाल को जो है इसे हटाकर भी किया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे मैं डैमेज नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे ही बाहर करिए। बाहर करने के बाद निकल कर ये रेडी है, हमारे पास मदरबोर्ड दिखने लग गया है सामने। अगला काम, अगर इसके हमको मदरबोर्ड निकालना है मुझे, तो सबसे पहले एक्सटर्नल यूएसबी के लिए दिया हुआ है, इसे बाहर कर लिया तो ये टूटा हुआ था, कोई बात नहीं, इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि फिर काम आएगा। यहाँ पे एक कनेक्टर सीडी ड्राइव के लिए है, यहाँ से अटैचमेंट, इसका सीडी ड्राइव अटैच होती है, इसे भी बाहर कर लेना है, इसके इस लॉक को पकड़ लें। यहाँ पे एक स्पीकर का एक कनेक्टर है, यहाँ पे दो स्पीकर लगी हुई है साउंड के लिए, इस स्पीकर को भी इजी वे प्रिकॉशन के साथ बाहर कर देना है। बाहर करने के बाद फिर अगला काम अगर बात करें तो यहाँ पे एक एलईडी के लिए, यहाँ पे कुछ एलईडियाँ हैं उसके लिए, इसे भी बाहर कर लिया। यहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता, ये रहा डिस्प्ले की तरफ से आ रही है तो डिस्प्ले का पत्ता, इसे भी बाहर करना है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ दो तरह का पत्ता आता है, एक आता है सीधा ऊपर करने का और एक आता है इस तरह के कनेक्टर के साथ चौड़ा टाइप का। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो एक यहाँ पर लॉक बना हुआ है, इसका मतलब ये सीधा ऊपर करने का, ऊपर कर लिए और ऊपर कर लिए इसे यहाँ से बाहर। बाहर जब कर लिए तो फिर अगला काम, एक यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसके लॉक को ये आपका चार्जिंग जैक के लिए इससे अटैच होते। इसके बाद फिर हमारे पास अगला प्रोसेस है कि इसको बाहर निकालना, लेकिन बाहर निकालने से पहले एक बार इसे बैक साइड से देख लेना है, या कभी भी इसके साथ फोर्स नहीं करना है, नहीं तो टूटने का बहुत ज़्यादा चांस है। और ये सब लैपटॉप जो है काफ़ी पुरानी मॉडल के लैपटॉप हैं, तो ये सब अगर लैपटॉप को ज़बरदस्ती कीजिएगा तो बहुत जल्दी टूटता है। तो यहाँ पर हम पीछे से देख लेंगे कि इसके वाईफाई वगैरह पूरा प्रॉपर खुली है कि नहीं, क्योंकि अगर वाईफाई का कनेक्टर वगैरह भी लगा हुआ पड़ा होगा या ये भी बॉडी में अटैच होगा तो टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होगा अगर इस पर फोर्स करें तो एक बार हम फिर से वेरीफाई हो लेते हैं। तो वेरीफाई होने के लिए जब यहाँ पर मैंने ध्यान से देखा तो वाईफाई यहाँ पर लगा पड़ा हुआ है, तो हम इसे भी डिसकनेक्ट ही कर देते हैं। ये काम पहले करना चाहिए था, पहले करते तो और भी बेस्ट होता, और यहाँ से इसे बाहर जी। अब एक कीबोर्ड मदरबोर्ड यहाँ से निकलने के लिए प्रॉपर तैयार है, इसे कोई भी अब नहीं रोक सकता, तो मैं इसे इजी वे आराम से थोड़ा सा ये मदरबोर्ड बाहर होकर रेडी। ये सारा पार्ट आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड आ गया। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, फैन को बाहर करना है, तो फैन को बाहर करने के लिए इसका एक कनेक्टर और ये हीट सिंक बाहर करके यहाँ पर हीट सिंक वगैरह पर कर सकते हैं।
इसका एक कनेक्टर हमेशा, खास करके जितने भी गन टाइप के होते हैं मदरबोर्ड इस तरह का, तो उसमें ये जो कनेक्टर होगा ऑलवेज, ये डीसी जैक के लिए होता है। और इतना खोलने के बाद आप पहला काम जब भी रिपेयर करो तो एक बार फिजिकल ज़रूर देख लिया करो कि कहीं शायद इसमें कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। ये तो था मदरबोर्ड निकालने का फुल प्रोसेस। इसे अगेन अगर सेट करने का मैं बात करूं, यानी ये डिसेंबल थी, असेंबल भी अगर करना है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असेंबल करने के लिए सेम प्रोसीजर, सबसे पहले मदरबोर्ड को ध्यान से देख लेना है और कुछ इस तरह से सेटिंग करना है कि ये जो पॉइंट है, जो जाली टाइप का बना हुआ है, नेट बना हुआ है, ये जाली और ये जाली आपस में मैच करना चाहिए, तभी आपको मदरबोर्ड यहाँ पे अटैच करना। तो जब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ तो बिल्कुल जाली से जाली अटैच हो जाएगा। दूसरा काम कि जितने भी कनेक्टर हैं, कनेक्टर को पहले ऊपर इजी वे कर लेना है या यहाँ से हटा दें, ये डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल। और ये सब कनेक्टर को यहाँ से मैं बाहर कर लिया, और बाहर करने के बाद इसे यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर बैठाना है। यहाँ पर प्रॉपर बैठकर रेडी है। प्रोसीजर वही, जितने भी कनेक्टर थे, सबसे पहले डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले का कनेक्टर मैंने बोला था अपर से, थोड़ा सा गंदा लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इसका कनेक्टर, तो ये वाला पॉइंट को ऐसे अनुमान से फोर्स ना करके इसको कुछ ऐसे मिलाकर, अगर आप फोर्स करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसको लॉक को यहाँ पे ये सेंसर का, इसका लाइट जो है और जब आप काम कीजिएगा तो टूल्स वगैरह जितना बेस्ट होगा उतना अच्छा से आप काम कर सकते हैं। इसको यहाँ पे, ये हमारे पास ये जो कनेक्टर है स्पीकर का, स्पीकर के कनेक्टर को भी लगा ही लेना है। इसके बाद हमारे पास ये सीडी ड्राइव के लिए, यहाँ पे चार्जिंग के लिए, तो चार्जिंग नीचे से होता है, तो इसे इधर से दिखाइएगा कि यहाँ पर जब भी आप लगाइएगा तो इसको हल्का सा उठा लीजिएगा, और उठा कर, बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं कि लगा निकालने का तो निकाल लेते हैं, फिर भूल जाते हैं भाई चार्जिंग कनेक्टर लगाने को कहाँ है, क्योंकि ये नीचे होता है। यूएसबी के लिए जो है उसको भी लगा ही लेते हैं साथ ही साथ, ये यूएसबी का। इसके बाद इसके यूएसबी को अच्छा से फंसा देना है। जब यूएसबी लग जाए लॉक कर दिया गया। अब इधर से मुझे कोई कनेक्टर वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है, एक केवल पावर का है, तो पावर का कनेक्टर को ऊपर से, तो पावर का कनेक्टर को ऊपर से लगाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे रख लेंगे पहले ये पैनल, और रख कर इसके जैक को उठा लेना है कुछ इस तरह से, और आराम से, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, इधर से ऐसे करके फोर्स कर लिए ऐसे। ये चीज़ यहाँ से भी किया जा सकता था, यहाँ पर करने का मतलब यहाँ से भी इसे
इस पेपर को हटाकर, लेकिन मुझे हटाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसे डैमेज करूँ। और अगेन जब ये लग जाए तो फिर कुछ नहीं, आराम से इसे स्लोली स्लोली जितने भी लॉक हैं सारे लॉक को प्रॉपर बैठा देना है। सारे लॉक को यहाँ पर पूरा बैठ चुका है सारा लॉक, इसको आराम से एक बार नीचे देख लेते हैं, बिल्कुल सारा का सारा ही परफेक्ट बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले ये चार स्क्रू को लगाएंगे, तो जो बड़े टाइप का स्क्रू थे, इंच के स्क्रू होते हैं, यहाँ पे ये चार स्क्रू लगाने से पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक टच पैड का पत्ता नहीं लगाया है, तो टच पैड का पत्ता भी लगा लेना है, नहीं तो यूजर भूलते भी बहुत हैं। इसके बाद इसके लॉक को सेम प्रोसीजर बगल वाले कनेक्टर में, इसको मिलाकर आराम से अंदर से लगे लॉक कर दिए। फिर यहाँ से एक काम हमें और भी करना है, साथ ही साथ इसका कीबोर्ड को भी कीबोर्ड भी लगा देता हूँ। तो कीबोर्ड लगाने से पहले रूल है कि इसका ये जो बटन है स्पेस बटन टच पैड के सामने, और इसमें ये जो लॉक है लॉक को पहले अंदर कर लेना, लेकिन करने से पहले इसके जो पत्ते हैं पत्ता को यहाँ पे लगा लेना है, अच्छा से एडजस्ट कर देना है, और लगने के बाद इसे फिर यहाँ पर इसके लॉक को प्रॉपर पहले अंदर की ओर करना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे एक स्क्रू लगेगा अंदर से, यह स्क्रू यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसे आराम से पूरा प्रॉपर लॉक से एडजस्ट हो चुका है, सारा स्क्रू को लगा लेता हूँ मैं। जब सारा स्क्रू लग गया तो उसके बाद वाईफाई का स्क्रू हमेशा स्टील टाइप का और स्मॉल साइज में होती है, इसे इसके बाद रैम को फिर रैम लगाने के लिए पहले नीचे लॉक से कट को मिलाकर और फोर्स कर देना है, यहाँ पे फोर्स कर देना है, हार्ड डिस्क भी यहाँ पे हार्ड डिस्क भी होके रेडी है। यहाँ पे अगेन अगर मैं बात करूँ तो इसे सी ड्राइव भी एडजस्ट किया जाए, सी ड्राइव एडजस्ट करने के लिए इसके स्क्रू को यहाँ पे ये स्क्रू यहाँ पे
इस तरह से सारी स्क्रू भी ख़त्म हो गई और ये भी हमारा डिसेंबल होकर असेंबल भी हो चुका है। इसे दोबारा पूरा का पूरा कैप में लगा दूंगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जब लगेगा तो लगने के दौरान कुछ इस तरह का लॉक वगैरह आएगा, लॉक डिस्टर्बेंस आपको देगा, तो उसे उसे परेशान नहीं होना है, उसे आराम से बैठा लेना है। और बैठा कर एक यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं लास्ट में बैटरी लगाया, बैटरी लगा के अभी से ऑन करके देखता हूँ। और ये डन। तो आपने देखा अभी कि किसी भी लैपटॉप को, खास करके अगर इस तरह का HP Pavilion G4 का लैपटॉप हो, तो कम से कम टूल्स में हम आसानी से बिना लैपटॉप को अपडेट किए कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि बिगिनर लोग जो होते हैं वो बिना जानकारी के लैपटॉप खोलने का तो खोल देते हैं और अपडेट भी कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ और भी वीडियो हम दे, लेटेस्ट वीडियो दे, लेटेस्ट लैपटॉप का वीडियो दें, तो उस कंडीशन में आप हमारे वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, उसे समझिए। और अगर किसी लैपटॉप का असेंबल डिसेंबल आप चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम उसका भी वीडियो आपको बनाकर बहुत जल्द देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।